किसी बात पर काल कलंतर को विश्वास क्यों नहीं आता? बड़ा ही क्रूर तांत्रिक है काल कलंतर, जरा जरा सी बात पर सजा देने लगता है। पता नहीं हमारा पिंड कब छूटेगा, कैसे छूटेगा। हाँ, उसके जंगल में बुरी तरह फंसे हैं हम सब। पता नहीं अपने जीवन काल में हमने कितने बुरे कर्म किए थे जो इस काल कलंतर के हाथ में फंस गए। अरे अब सारी बातें छोड़ो और उसके हुक्म का पालन करो। ढूंढो जूनियर जी को। उसे ढूंढने के लिए हमने धरती पाताल एक कर डाला, कितने चक्कर लगा डाले, अब ढूंढे भी तो कहाँ उसे। ढूंढना तो पड़ेगा ही, वरना काल कलंतर हमें आग में जला जला कर तड़पाता रहेगा उम्र भर। कितने बदकिस्मत हैं हम जो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली हमें। कुछ भी हो, हमें जूनियर जी को ढूंढना ही पड़ेगा। इस बार खाली हाथ नहीं जाना हमें काल कलंतर के पास। चलो चलो आगे बढ़ो, कहीं तो मिलेगा वो जूनियर जी। चाची बस 5 मिनट कर रहा हूँ, बस 5 मिनट। 5 मिनट में इतने सारे बर्तन कैसे साफ करूं? आइडिया। जी जैम जैमी बूम। बर्तन तो साफ हो गए, अब इनको इनकी असली जगह पर पहुंचा देना चाहिए। जल्दी से बड़ा बड़ा हो जा। हेलो, कौन? पापा? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, दे दे दे। हेलो, हाँ राहुल के पापा। व्हाट, कम होम लेट? ओफो, ऑफिस वर्क। हाँ ठीक है ठीक है, सीधा कम होम, नो गोइंग फ्रेंड होम, ठीक है? हाँ, तेरे पापा कम होम लेट। चाची जी सब बर्तन साफ कर दिए। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तू। अभी जा, वो क्लोथ्स है ना वो भी धो दे। पर चाची जी ये तो क्या, ओनली 3 पर्सन क्लोथ, 1 मी 2 राहुल 3 चाचा, अरे बाकी सब तो तुम्हारे ही हैं। गो गो Not look tukur tukur, go na, wash clothes, fast. Thank you.
हेलो। हे ममता देवी, तेरी इकलौती बच्ची मेरे कब्जे में है। अरे भाई, तुमको कितनी बार बोला है, ये ममता देवी का घर नहीं, हमारा घर है। बार बार परेशान मत करो। किसका फोन था? मम्मी फिर वही फोन। सुबह से कई बार आ चुका है, कहता है ममता देवी तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। कितनी बार बोला है उसको, रॉन्ग नंबर है, पर समझता ही नहीं। पागल कहता जी। ममता देवी तो शहर की मशहूर हस्ती है, कितने बिजनेस है उसके, उसके चाइल्ड को किडनैप कर लिया किसी ने। अरे मम्मी छोड़ो ना, हमको क्या लेना देना। हाँ यही हो सकता है, ममता देवी के चाइल्ड को किसी ने किडनैप किया है, इसीलिए बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और गलती से हमारा रॉन्ग नंबर लगा रहा है। जरूर दाल में कुछ ब्लैक। मंचो, आप तो मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। काल कलंतर आज तक ना किसी कार्य में सफल हुआ है और ना ही होगा। आपका मिशन जरूर कामयाब होगा, ये मेरा वादा है आपसे। वादा 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 तो पेटी ने गिनाने में किया था। हालांकि वो जूनियर जी के पास पहुंच गई, लेकिन वो उनसे बच के निकल गया। काल कलंतर, तुम्हारी तो आत्माएं असफल होकर वापस आ रही है, इससे हम क्या समझे। मैं मानता हूँ उन आत्माओं से भूल हुई है, लेकिन उसके लिए मैंने उन्हें कड़ी सजा दी है। अब दोबारा उनसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। और देखना, वो जरूर अपना काम करके लौटेंगी और उस जूनियर जी को अपने साथ लेकर आएंगी। कब आएंगी? हमें सफलता चाहिए, हमें नतीजे चाहिए, हमें वो ग्रहण का टुकड़ा चाहिए। हमने कैटी और निगीना को मिशन से आउट कर दिया क्योंकि वो असफल थी, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मिशन से आउट करना पड़े। नहीं कहते मंचो, नहीं, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं अपनी शक्तियों पर नजर रखे हुए हूँ। अभी आप भी देख लीजिए वो किस तरह से जी जान से अपने काम में जुटी हुई है। देखिए, बार हमें असफल नहीं होना है। जूनियर जी को ढूंढकर अपने साथ लेकर ही जाना है। देखो, तुम उत्तर दिशा को छान डालो, तुम पश्चिम दिशा में खोज करो, मैं पूर्व दिशा में ढूंढता हूं उसे, और तुम दक्षिण दिशा का कोना कोना खंगाल डालो। ये सोच लो, उस जूनियर जी को लेकर ही जाना है हमें। चिंकारा चिंकारा, हम जानते हैं कालकंठ तुम्हारी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन अब हमसे और इंतजार नहीं होता और सब्र नहीं होता। हमें तो वो ग्रहणों का टुकड़ा चाहिए जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे, अपने शैतानी राज को पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। बस वो ग्रहणों का टुकड़ा। ठीक है कालकंठ, तुम अपनी तरह से काम करो और मैं अपने गुरु चिंकारा की दी हुई शक्ति से मैं समोना उसको आजमा के देखता हूं। जूनियर जी, कब तक बचोगे? जहां तक छुपना चाहते हो छुप लो, हम तुम्हें पाताल से भी निकाल लेंगे। चिंकारा। ममता देवी, फोन काटने की गुस्ताखी मत करना, समझी क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानता हूं फोन पर तू ही है, तू ही फोन पर। तेरी बच्ची मेरे कब्जे में है, अगर उसे सही सलामत वापस चाहती है तो 20 लाख रुपए मुझे दे दे। और सुन, कोई होशियार नहीं मांगती मेरे को, समझी क्या? मैं तू ये समझ
कि मैं तेरा हमदर्द बोल रहा हूँ। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तू मुझे 20 लाख रुपया दे दे, वो भी कैश। तेरी बच्ची को छोड़ देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारा 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा। बस 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 बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे 20 लाख रुपया दे दे, मैं तेरी बच्ची को छोड़ दूंगा। और सुन, मैं तुझे बाद में बताऊंगा कि कब और कहाँ मिलना है, समझी क्या? हाँ 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 समझ गई। चल रहा कोई, चल। अब आई लाइन में? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ए, चल। मम्मी। ए, चल। God, you great, you great. तेरा भी जवाब नहीं, जब भी देते हो छप्पक फाड़ कर देते हो। मम्मी ये उस किडनैपर का ही फोन था ना? Yes, my son, उस किडनैपर का ही फोन था। मम्मी आप किसी और की बच्ची को बचाने के लिए 20 लाख रुपए दोगी? और ये पैसे आएंगे कहाँ से? अरे तू नहीं समझेगा, तू रहेगा भोले का भोला। मेरे दिमाग में तो एक प्लान घुसा है, प्लान, बड़ा तगड़ा प्लान है। बस एक बार कामयाब हो जाए, मुझे ममता देवी का नंबर मिल जाए किसी तरह, फिर देखना, फिर तो अपनी चांदी चांदी है। तू डायरेक्टली उठा, जल्दी से जल्दी से। ममता देवी को फोन लगाते हैं। ममता देवी एक बार तेरा नंबर मिल जाए, जल्दी दे। ममता देवी MMML जी, ममता देवी ममता देवी। मम्मी ये सब क्या तमाशा है? अरे यू शट अप, देखने तो दे। ममता 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 रानी ममता देवी 6044480। यस नंबर मिल गया, 6044480 6044480। हेलो हेलो, ममता देवी से बात कर सकता हूँ क्या? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं राहुल एंड राहुल प्लास्टिक कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। जी एक मिनट मैम, आपका फोन। हेलो, ममता देवी बोल रही है? यस, आप कौन? ए ममता देवी, देख तेरी बच्ची अपुन के कब्जे में है। अगर अपनी बच्ची को जिंदा सही सलामत देखना चाहती है ना, तो अपुन को 50 लाख रुपया कैश देने का। कितना? 50 लाख रुपया कैश। देख पुलिस को खबर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अगर खबर करने की कोशिश की तो तेरी बेटी का क्या अंजाम हो सकता है ये तू अच्छी तरह से जानती है, समझी? कोई भी नाटक नहीं चलेगा। पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी बच्ची का भेजा उड़ा दूंगा। समझ गई? इसलिए चुपचाप 50 लाख रुपया लेके आने का।
पैसा कब और कहां पहुंचाना है इसके लिए अपुन तेरे को बाद में फोन करेगा। चल रहा कब? मैडम मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची जूली? मेरी बच्ची, भगवान उसकी रक्षा करना। मेरी बच्ची। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? बताती हूँ बताती हूँ। इसे कहते हैं बिजनेस। तेरी समझ में ऐसे नहीं आएगा, तुम्हें मैं सब बताती हूँ ये कैसा बिजनेस है। अब देख, किडनैपर ने बच्ची को किडनैप किया। बच्ची है ममता देवी की। किडनैपर हमको ममता देवी समझता है, इसलिए वो हमको फोन करता है। किडनैपर के पास तो ममता देवी का नंबर ही नहीं है, है ना? अब देख, ममता देवी से हम 50 लाख रुपया लेंगे, उसमें से 20 लाख किडनैपर को दे देंगे। किडनैपर ममता देवी की बच्ची वापस कर देगा। बच्ची पहुंचेगी ममता देवी के पास और हमारे पास आएगा 30 लाख रुपया। इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग चमखाई चोखा। मम्मी यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। आपका ये ब्रोकरेज का आइडिया तो कमाल का है। यस, तुम्हारी मम्मी भी तो कमाल की है। अब मजा आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, 30 लाख रुपए का लालच में आकर चाची जी शायद ही भूल रही है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। चाची जी अपनी जान की खुद दुश्मन बन रही है, शायद उन्हें नहीं मालूम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।